यार आप देख सकते हो कितना प्यारा हॉर्स है यहाँ पे। भाई का जो फेमस है पाकिस्तानी बुली, और जहां तक मेरे को पता चल रहा है यार ये न्यूज भी आई थी ना कि ये दो पाकिस्तान से आए थे कुछ ऐसा सीन था ना। से है ये कुआं भाई औरों के पास यहाँ पे। ये पीछे से कैसे पंख फैला रखे हैं बिल्कुल, ये देखो यार, मतलब यार ये देखो मेरे को तो सबसे यूनिक ये लग रहे हैं, देख रहे कैसे से हैं। ये देखो यार यहाँ पे पिजन की तरह, ओह माय गॉड, ओ बाप रे यार, ये देखो कैसे भाग रहे हैं, देखो इसके पैरों में घुंघरू बन रहे हैं वो देखो। तो यार इसका नाम है कड़कनाथ। यार ये देखो यहाँ पे बत्तख हैं, एक दो तीन चार। ओ यार, अरे बाप रे, ये देखो यार कैसे उड़ रहे हैं यहाँ पे पिजन, बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट बना हुआ है यार, सीरियसली बहुत मजेदार। फाइनली आ चुके हैं वहां पे जहां मैं आप सभी को लेकर आना चाहता था, मेरे यार दोस्त, मेरे भाई, मेरे स्कूल के मित्र के यहाँ पे एक फार्म हाउस पे, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हो इतना बड़ा बंगलो है उनका, और उस साइड उनका फार्म हाउस है यहाँ। ये देखो यहाँ डॉग्स भी बंधे हुए हैं, पाकिस्तानी बुली ब्रीड है यहाँ पे, और उधर दिखाओ तो वहां पे बफेलो काओ ये सब है यहाँ पे। सो यहाँ पे यार बिल्कुल देसी स्टैंडर्ड पुराने कल्चर का लाइफ स्टाइल है। और फिलहाल यार यहाँ पे बैल बजाते हैं और देखते हैं अंदर से कौन आता है। आपको सारे अंदर बहुत कुछ है, टर्की है, हेन है, पीजन है, डक है, बत्तख है, यहाँ पे घोड़ी रख रखी है भाई और उन्हें बड़े शौक से। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सारी चीजें एक एक करके। आ जाओ, सबसे पहले यार मैं आपको ये दिखाऊंगा, देखो क्या लिख रखा है, इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ, जंप दिस वॉल एंड फाइंड आउट। सो यार ये जो कॉट लिख रखा है ये इनका मतलब बिल्कुल रियल है, बिकॉज इनके पास जो डॉग की ब्रीड है वो है पाकिस्तानी बुल्ली। अगर किसी को नहीं पता तो YouTube पे सर्च करके देख लो, और मैं डेडिकेटेड व्लॉग भी बनाने वाला हूँ इनके ऊपर। सो इधर बैठे हुए केज में, वो देखो देख रहे हो कैसे भौंक रहे हैं, सो मतलब ये बंदे को छोड़ते नहीं है। सो देखते हैं अंदर कौन है। सो आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ सारा का सारा इनका फार्म हाउस, ये पूरा फार्म हाउस है इनका यहाँ पे, और उस साइड इनका फार्म हाउस है, इधर ये यहाँ पे रहते हैं, इनका बंगलो है, और वो बैठे हैं अंकल जी हमारे पास। आ जाओ सारे, आ जाओ आ जाओ। वाह भाई वाह भाई, वो अंकल जी नमस्ते, आज किस तरह? बस जी आज मूड कर रहे हैं, आज ही व्लॉगिंग कर रहे हैं, ए तोड़े फार्म हाउस दी, तोड़े घर दी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं दिखाना चाहना लोगों को कि किवें लोकी कल्चर नाल हजे भी जुड़े हुए ने, देसी लाइफस्टाइल हाले भी एक सुपर प्लास्टिक लाइफस्टाइल है ना। चलो गुरु महाराज की कृपा है, सही क्या है ना। तो जी मैं जरावर नाल भी गल की थी, मैं कहा मैं दिखाना चाहूंगा तेरा सब कुछ इधर, जरावर किधर अंकल जी? मैं जरावर हूं फार्म से गया है, सो मैं आपको अभी मेरा भाई आने वाला है जोरावर, जो मेरा फ्रेंड है, मैं उससे भी आपको मिलवाता हूँ। वो फिलहाल कहाँ गया होगा अंकल जी, कुछ बताओ। पे गया अभी, आ जाता है, घोड़ी लेकर गया अभी, घोड़ी लेकर गया। तो अंकल जी बता रहे हैं कि वो घोड़ी लेकर गया होगा फार्म पे घुमाने के लिए, उसको टहलने के लिए। सो जैसी भाई आता है मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ सबसे पहले का सारा फार्म हाउस। और अंकल जी अपनी चाय को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने डिस्टर्ब कर दी थी। और ये देखो कितनी प्यारी बागवानी कर रखी है इन्होंने यहाँ पे सारे में, कितना प्यारा सीन है देखो सारा का सारा। सो ये सामने है अंकल जी औरों का गिल फार्म हाउस का बंगलो, और आप देख सकते हो यहाँ की खास बात ये है कि ये 1964 का बना हुआ है, मतलब आप हिसाब लगा सकते हो कि ये कितना पुराना बना हुआ है। हम इसको कह सकते हैं एक लाइक एशियंट हवेली टाइप। हाँ जी हाँ जी, जोरावर भी आ गया लगता है इधर भाई, ये भाई साहब, अरे क्या हाल है भाई, बढ़िया ठीक हो? बढ़िया।
मतलब एक और शौक ऐड कर लिया अपने पास है, तो मतलब बंदा टिट फिट होके गया हुआ था आज यहाँ घोड़ी घुमाने। मैंने भाई को ऑलरेडी पहले कॉल कर दी थी कि मुझे आपके फार्म हाउस का व्लॉग बनाना। भाई इसका नाम क्या? इसका नाम है हीरा। हीरा सर आप देख सकते हो कितना प्यारा हॉर्स है यहाँ पे। अभी इसको आप सैर करवा के आए हो? अभी लेके आए, इसको थोड़ा टाइम हुआ, बच्चा अभी है। कितने टाइम का है ये? अभी होगा डेढ़ एक साल। ओके सो यार फिलहाल ये डेढ़ एक साल का ही है और अभी भाई इसको घुमा के लाए हैं खेतों वगैरह में लेके गए थे। अच्छा सुजरा और भाई इसको पहले आप बांध दो फिर हम बात करते हैं एक बार। मैं और अभी मैं आपको मिलवाता हूँ अपने भाई अपने दोस्त से जोरावर सिंह गिल और ये है उनके फादर साहब जैसे उन्होंने बताया जितेंद्र सिंह गिल। सो भाई थोड़ी सी अपनी इंट्रो दे दो मेरी पब्लिक को। भाई मेरा नाम जोरावर सिंह गिल है, मैं लाड़वा का रहने वाला हूँ, मेरा फार्म हाउस है यहाँ पे गिल फार्म के नाम से है। तो वह भी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो हम इकट्ठे ही पढ़े हैं। टेंथ मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल से किया, प्लस वन प्लस टू इकट्ठे रहे हैं। बहुत मतलब प्यार था हमारा पहले, तो फिर कॉलेज लाइफ आ गई, थोड़े अलग अलग हो गए, हमारे शौक कुछ अलग थे, वैभव के कुछ अलग हो गए, तो अब ऐसा हुआ कि इसका शौक और हमारा शौक कमाई नहीं कोलैब हो रखा है इस टाइम। जैसे आप सभी को पता है यार हम लोग बहुत ज़्यादा एनिमल लवर पेट लवर है ना, सो सेम गोज़ फॉर ब्रदर। ये भाई फार्म हाउस जो है मेनली भाई का इसीलिए है कि यहाँ पे आपको मैं ऐसी ऐसी चीजें दिखाने वाला हूँ ना अभी, मतलब आप लोग देख के हैरान रह जाओगे। उनकी मेंटेनेंस, फूड, डाइट सब कुछ ऐसे ही बात है ना भाई। और यार ये सारा कुछ करता कौन है? एक बंदा रखा हमने ओके, जो स्पेशल इसी काम के लिए। ओके सारा दिन मतलब बुली को घुमाना फिराना, दाने डालने, ये करना, साफ सफाई सब मतलब वही करता है। मतलब इन्होंने स्पेशल एक बंदा रखा हुआ है, एक वर्कर रख रखा है जो सिर्फ उनकी देखभाल करता है। ऐसे ही नहीं है कि शौक शौक में चीज ले ली और यार रख दी बस खाते पीते रहेंगे और पल जाएंगे। एक पर्टिकुलर उनको टाइम देते हैं, उनकी उनका एक लाइफ का स्टैंडर्ड मेंटेन करके रख रखा है, जैसे कि हम लोग अपना रखते हैं। ऐसे ही बोला ना भाई मैंने। तो उनको गाइडलाइंस आप देते हैं, अंकल जी देते हैं? अंकल जी भी देते हैं, हम भी देते हैं जितने हमें पता है। मेरी हेल्प की जरूरत होती है, मैं थोड़ी हेल्प कर देना। ओके सो आओ मैं दिखाएं पब्लिक को एक बार। सो भाई का एक बार शौक दिखाते हैं, फार्म हाउस पे क्या क्या है वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को भाई के। सो भाई फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं अपना फार्म हाउस दिखाना आप सभी को भाई, है ना। तो सबसे पहले फार्म हाउस की सबसे खूंखार चीज जिसको बाहर जिसका लिख रखा है इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ, तो यार वो जो लाइफ नहीं है ना सो वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे भाई का जो फेमस है पाकिस्तानी बुली, और जहां तक मेरे को पता जरावर यार इनकी न्यूज भी आई थी ना कि ये दो पाकिस्तान से आए थे, कुछ ऐसा सीन था ना, ये इम्पोर्ट कराए थे, ये इम्पोर्ट करवाए गए थे पाकिस्तान से, और ये बकायदा न्यूज में भी थे कि दो इम्पोर्ट करवाए गए हैं। तो उसका नाम क्या है? सुल्तान। और उसका? रजिया। सो यार ये पेयर है सुल्तान और रजिया का, ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ, आ जाओ। सो ये सुल्तान है यार, ये देखो इसको थोड़ा टाइट इसलिए बांधा कि यार ये बहुत ज्यादा थोड़ा एग्रेसिव है अननोन्स को देख के। मैं भाई के पास ना यार बहुत मतलब कम आना जाना होता है इस साइड, भाई उधर हमारे शहर में ही आ जाते हैं। सो भाई का जो फार्म हाउस है वो थोड़ा इधर है शहर से बाहर, खुले खेतों में, मतलब एक बढ़िया ओल्ड स्कूल लाइफ जी रहे। सो इसको थोड़ा बांध के रखना पड़ता है, एग्रेसिव है। और ये है रजिया, ये कुछ नहीं कहती ना, ये बहुत माइल्ड है, बट मेरे को फिर भी इन दोनों की शक्ल देख के डर लगता है, रजिया सुल्तान। और ये है इनका केज जिसके अंदर ये रहते हैं बेसिकली। और इन केजेस की खासियत क्या है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आगे जाके दिखाओ कि केजेस के अंदर सिंपल देसी मिट्टी का बेस बना रखा है जिससे पंजे ना खराब हो इनके डॉग्स के, और ये एक नेचुरल हैबिटेट में रहे। सो यार ये बहुत बड़ी बात होती है, वरना हम लोग क्या करते हैं जो और ब्रीडर्स वगैरह होते हैं नीचे चद्दर लगवा देते हैं, कुछ कर देते हैं। इसको कहते हैं एक अच्छे वे से शौक पूरे करना, ठीक है। सो इसके बाद है यहाँ पे है यार काओ बफेलो सब है, सो ये भी दिखाते हैं। सो यार ये देख सकते हो आप, मतलब कितनी साफ सुथरी लग रही है, मतलब मैंने लिटरली इसमें मैंने पहली बार इतनी साफ सुथरे एनिमल्स देखे हैं। ये भैंसे भी गारा, या कह लो हमारा गांव में जाना कम होता है इसीलिए है, बट यहाँ पे भाई ने बहुत ज्यादा मेंटेन करके रख रखा है। आगे आ जाओ, पास से दिखाओ एक बार पब्लिक को, ये देखो यार भाई इनके ये क्या है, ये देखो यार ये ध्यान से ये देखो कानों के अंदर क्या डला हुआ है, ये क्या चीज है? ये मुर्गियां, बेसिकली इनको मुर्गियां बोलते हैं। अच्छा, तो ये हमने थोड़ा मतलब जैसे लेडीज वगैरह रेडी होती हैं, okay. इनको हमने रेडी किया जैसे यार जैसे लेडीज रेडी होती ना झुमके वगैरह पाना, तो ये भी रेडी कर रखे हैं, झुमके हैं इनके। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ठस। सो यार देख सकते हो कितनी साफ सुथरी है ये देखो, बिल्कुल साफ सुथरी पड़ी है यार ये, बिल्कुल
चमक मार रही हैं, शाइनी शाइनी। यार इनकी कोई खास बात इनमें से? खास बात ये है इनकी भाई, हम इनको कोई भी फीड वगैरह नहीं देते, हम इनको घर का ही दलिया बनाते हैं वो ही देते हैं। तो जो भी हम घर रखते हैं, हमने देसी गायें भी रखी हुई हैं। ओके। तो हम जो अमेरिकन ब्रीड है, एचएफ ब्रीड है, जर्सी ब्रीड है, हम उसको प्रेफर नहीं करते, तो हम अपनी हरियाणा ब्रीड ही लाते हैं। बेसिकली देसी ब्रीड इनको बोला जाता है। आपने देखा होगा अक्सर भाई, सब बांध के रखते हैं। हम इनको एनवायरमेंट देते हैं खुला, और हम इनको इधर खुले खेत हैं उनमें लेके जाते हैं, और बुल रखा हमने बीच में, कोई भी मतलब आलतू फालतू के हम इनमें नहीं घुसाते भैया, अपने नेचुरल। आप देख सकते हो बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट में रख रखे हैं। देखो इनके कोई भी एक भी ऐसी बुफेलो या काऊ नहीं है जो बंधी हुई हो, ये अपने एरिया में खुले में घूमते हैं, पानी पियो, घास खाओ, कोई मतलब रोक टोक नहीं, सब कुछ अवेलेबल है। वो देखो बीच में घास का चारे वाला वो बना हुआ है, पानी ओपन है, अगर घूमने जाना है तो पीछे भाइयों के खेत है सारे में, वहां पे ये घूमने के लिए भी जाती है। सो बहुत यार नेचुरल हैबिटेट सा लग रहा है इनका मेरे को देखने में। और इधर एक और स्पेशलिटी है यहाँ पे भाई, एक कुआं है ना, कुआं ये मुझे याद है यार, इस कुएं की स्पेशलिटी मुझे इसलिए याद है कि हम लोग जब होली के लिए आते थे यहाँ पे भाई के पास। अरे भाई जो ये कुआं है ना मैं, ये जो हमने यहाँ कमाया जो कुछ भी, तो इसी से कमाया, ये 47 से है हमारे पास, 1947 से। ये कुआं भाई औरों के पास यहाँ पे, मतलब यार दुनिया होती है, लोग होते हैं, अपनी ओल्ड जो चीजें होती है ना, ओल्ड स्कूल थिंग्स होती हैं या पुरानी एंशियंट थिंग्स होती हैं, मिट्टी घेर के बंद कर दे यार क्या जरूरत है, ये कर देते हैं। बट इन्होंने अभी भी एंशियंट अपना सारा, जहां से मिट्टी से जुड़े हुए हैं कहना, अभी भी इन्होंने वो मेंटेन करके रख रखा है। आप देख सकते हो यार जो पीछे जितने ये खेत दिख रहे हैं, इधर दिख रहे हैं ये खेत जितने हैं, ये सामने सारे आगे आगे तक बिल्कुल। सो ये सारे के सारे इन्हीं के हैं, गिल फार्म वालों के हैं, गिल फार्म हाउस के हैं। सो यहीं पे इनके जो ये एनिमल्स हैं, बफेलो काउज हैं, जिनको आप पंजाबी में डंगर कह देते हैं, सो ये यहीं पे घूमते हैं, टहलते हैं, मजे लेते हैं। और इधर दिखाओ भाई, ये देखो ये गन्ने के खेत हैं, ये भी भाई औरों के हैं, ये सारे गन्ने के खेत इधर, ये सारे सारा आगे तक इन्हीं का ही है, तभी इसको बोलते हैं गिल फार्म हाउस, हाउस प्लस फार्म। तो फार्म यार एक छोटा सा ऐसा नहीं होता, ये सारा फार्म हाउस है। आओ अंदर दिखाता हूँ मैं, अंदर क्या आ जाओ। वो देखो भाई, अंकल जी ने अपना स्पेशल डॉग निकाल लिया है, ये अंकल के पास पमेरियन है, ये अंकल आपका फेवरेट है ना, ये है ना, इसका क्या नाम है, कैटी, कैटी मेल फीमेल, फीमेल। वो देखो भाई अपना नाम बोल के बता रही है कि मैं भी हूँ, ये अंकल की फेवरेट है कैटी, पमेरियन है ये, फीमेल पमेरियन। सो अंदर चलते हैं, अंदर दिखा रहे हैं अंकल जी आपको फार्म हाउस पब्लिक को। सो आओ अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं। सो भाई हमारा फार्म हाउस, मुर्गे, टर्की, पिजन, डक्स, बड़ी छोटी सब तरह के। सो यार फिलहाल हम ऐसी जगह आए हैं, मेरी शक्ल देख रहे हो कैसे, मतलब खुद को एक्साइटमेंट हो रही है कि यार मेरे को इन चीजों से बहुत प्रेम प्यार है बचपन से, व्हाइट माउस, रैबिट, डॉग्स, कैट भी रखी हुई थी मैंने, बहुत कुछ रख रखा है, बर्ड्स भी पाले हुए हैं जिनको बजरी बर्ड्स कहते हैं वो भी रखे हुए थे मैंने, पहाड़ी तोता वो भी रखा हुआ था मैंने, टर्टल्स है मेरे पास तुम लोगों को पता है, फिशेज है। सो यार मैं तो इन चीजों को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। सो यहाँ पे फिलहाल भाई हमें दिखाने वाला टर्की, हैन पिजन, हैन पिजन और फाइटिंग कॉक्स। ओके, लड़ाकू मुर्गे, लड़ाकू मुर्गे क्या ना, वो देखो भाई साहब क्या है ये, ये क्या है भाई, कड़कनाथ है, ये टर्की, टर्की, ये टर्की भाई साहब, ये क्या चीज है, मतलब देखो इसे पीछे से कैसे पंख खिला रखे हैं बिल्कुल, ये देखो यार, मतलब ये कड़कनाथ यार, ये देखो मेरे को तो सबसे यूनिक ये लग रहे हैं, ये देखना कैसे से हैं, इनके पैरों पे भाई ने ना घुंघरू बांध रखे है, ये देखो ब्लैक मुर्गा पूरा, यार मेरे को तो डर भी लगता है पर यार एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा है, ये देखो यार, अरे बाप रे, ये देखो यार यहाँ पे पिजन्स कितने, ओह माय गॉड, ओ बाप रे, ओ कहाँ जा रहे हैं यार, वो देखो, ओ मैन। सो यार ये तुम देख सकते हो यहाँ पे बत्तखें आ गई हैं फिलहाल, और ये देखो कैसे खेल रही हैं, कूद रही हैं आपस में, ये सारी की सारी बत्तखें, वो देखो मुर्गे भाग रहे हैं, ये कैसे लाइन में जा रहे हैं भाई, ये क्या चक्कर है, ये सब ट्रेंड है क्या,
जैसे आवाज लगाते हैं वैसे आ जाएंगे। ओके सो यार ये देखो यार, मतलब ये देखो सब बार की तरफ भाग रहे हैं, घूमने का टाइम हो रहा है इनके। और ये क्या चीज है यार, मुझे इसका नहीं समझ आ रहा। ये बाबू टर्की है। टर्की मतलब भाई बहुत मेरे समझ आ गया, मतलब ये चीज क्या है। ये देखना कितना प्यारा लग रहा है, ब्यूटीफुल ब्लैक ब्यूटी बिल्कुल। और इसके आगे से ना चोंच दिखाना चाहूंगा, ये देखो चोंच कैसी सी आगे से इसकी, फेस कैसा सा है। सो ये इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करता है बाकियों से। ये बाबू कलर भी चेंज कर देता है। ओके जैसे आ गया ना, हाँ हाँ, कभी रेड हो जाता है, अच्छा तो कभी ब्लू हो जाता है पूरा, कभी व्हाइट हो जाता है। अब देख थोड़ा वो, अब जो खा रहा है ना वो चीज इकट्ठी हो जाएगी ऊपर, जैसे फीमेल की हुई है ऊपर, हाँ हाँ वैसी हो जाएगी। अच्छा तो इनमें भी हमने मतलब थोड़ा, जैसे हम एग वगैरह यूज करते हैं तो जैसे व्हाइट है ना इसका कैस्ट्रो लेवल कम होता है, वो है उनका हाई होता है। तो जैसे वो फाइटिंग कॉक है, वो है पेयर, वो फाइटिंग। ओके सो यार ये देखो आपको उधर दिख रहा है जो, ये देखो यार ये दोनों के दोनों कपल गोल्स पे चल रहे हैं, ये फाइटिंग पेयर है, ये लड़ाकू मुर्गे हैं दोनों के दोनों। तो भाई आप इनकी फाइट तो नहीं करवाते होगे ना? फाइट नहीं करवाते हम, वैसे बस शौक के लिए, शौक के लिए रख रखा है भाई, फाइट नहीं करवाते। आप देख सकते हो इनकी कंडीशन कितनी साफ सुथरी और अच्छी है, अगर ये फाइट करने वाले होते तो ये खराब होते हैं, है ना, चोटें लग रही होती हैं, बट ये बहुत अच्छी कंडीशन में है यहाँ पे फिलहाल। ये गिनी फॉल है, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, गिनी फॉल, इसको गिनी फॉल कहते हैं। ये देखो यार सबसे बड़ी बात ये देखना, इनको बत्तखों के, ये मुर्गों के पैर पे, बत्तखों के पैर पे इन्होंने घुंघरू बांध रखे हैं भाई साहब, मतलब मेरा तो बहुत तगड़ा मन कर गया इसको देखने का। ये देखो भाई इधर इनको दाना डाल रहा है और ये गया। सो ये लोग यहाँ पे मतलब खुला ही घूमते हैं ना, सो ये यहाँ पे खुला घूमते हैं। ये तो यार मुझे व्लॉग बनाना था, कैद करके रखी गई हो। सो भाई का कहने का मतलब यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कैद करके रखी गई हो, मेरे आने के लिए आपने केज में करा था ये। जो केज में करते हैं तो इनकी सेफ्टी के लिए करते हैं, वैसे नहीं भाई। केज भी आप इनके देख सकते हो, ऐसे नहीं है कि भाई किसी भी केज पिंजरे के अंदर डाल दिया उठा के। ये देखो प्रॉपर इनके एक अच्छे प्रॉपर वेंटिलेटेड केज बने हुए हैं जिनके अंदर ये रहते हैं। ये देख सकते हो आप, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो ये भी इधर भी देखो सारा है, इधर है, ये खुड बने हुए हैं इनके, ये सारे के सारे खुड बने हुए हैं इनके, देख सकते हो आप कैसे हैं। वो देखो लास्ट में, अरे भाई साहब ये देखो यार अंडा भी पड़ा है हमें, हैं संडे हो या अंडे, रोज ना खाओ अंडे बिकॉज मैं वेजिटेरियन प्रमोट करता हूँ। तो ये देखो यार ये प्रॉपर खुड बना हुआ है यहाँ पे इनके लिए, ये पिजन्स के लिए है ना, ये पिजन्स के लिए बच्चे हैं उनके। ओके इधर बच्चे होंगे छोटे छोटे, अरे इधर बच्चे भी पड़े हैं छोटे छोटे, वो देख सकते हो आप बैठा हुआ है वो, देखो और इधर है वो इंटो के साइड में, अभी हमने थोड़ा वो बिल्कुल छोटा सा है इंटो के साइड में बैठा हुआ है, ये बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट के अंदर इन्होंने छोड़ रखा है। अभी ये नहीं है खुद छेड़खानी करना, वो देख सकते हो आप लोग, ये यहाँ पे देखो एग पड़ा है और इधर एक बच्चा पड़ा है मैंने आपको अभी जो दिखाया है। सो बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट में है ये, तो एग्स भी पड़े हैं यहाँ पे। सो बिल्कुल एक प्रॉपर हुड बना रखा है इनके रहने के लिए, कोई इनको फोर्स स्टेइंग नहीं है कि यहीं पे रहो। यार ये देखो कैसे भाग रहा है, देखो इसके पैरों में घुंघरू बन रहे हैं वो देखो। सो यार इसका नाम है कड़कनाथ क्योंकि ये पूरा ब्लैक है ना, सो इसका अंदर से स्किन भी ब्लैक होगी। ओके स्किन नहीं ब्लैक है इसकी, ओके ऐसी अफवाह उड़ाई हुई है कि स्किन भी ब्लैक है, ब्लड भी ब्लैक है, अच्छा अंडे भी ब्लैक है। ओके तो कुछ नहीं है, सिर्फ इसका मेन है भाई कैस्ट्रो लेवल कम है इसमें। ओके सो इसका नाम कड़कनाथ है, कितना मस्त सेक्सी नाम है ना कड़कनाथ। सो देख सकते हो यार ये देखो यहाँ पे बत्तख हैं, एक दो तीन चार, चार है ना ये, चार है। ये देखो ये भाई साहब लगे हुए हैं यहाँ खारिश करने, हैं खारिश कर रहे हैं नहीं डिस्टर्ब कर दिया। Thank you.
आए हैं यहाँ पे, मजे में बैठे हैं। पहले भी मैंने कबूतरबाजी वाला व्लॉग डाल रखा है ना, जो कबूतर पालन करते हैं, अगर आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ बटन पे वीडियो आ रही होगी कबूतरबाजी वाली, वो जरूर देखना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको पिजन्स की ब्रीड, उनकी फीड सबके बारे में। ये देखो यार कैसे उड़ रहे हैं यहाँ पे पिजन, बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट बना हुआ है यार, सीरियसली बहुत मजेदार, कितना प्यारा सीन है ना इनका, मतलब यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट का आप लोगों ने सीन्स भी इंजॉय किए हैं इनके। और जो जो लोग चाहते हो कि इस गिल फार्म का व्लॉग दोबारा आए तो यार कमेंट करके बताओ कि दोबारा व्लॉग आना चाहिए क्या नहीं, बताओ। और भी कई चीजें जो हमने दिखाई नहीं, अभी भाई कह रहे हैं और भी कई चीजें हैं जो अभी हमने राज दफन कर रखे हैं, दिखाई नहीं। सो बताओ भाई, अगर तुम लोगों को ये गिल फार्म और अच्छे से छानना है और अच्छे से इसमें घुसना है बढ़िया तरह से, सो कमेंट करके बताओ भाई साहब कि तुम लोग, ये देखो यार कैसे बैठ गए, कितनी प्यारा कितना प्यारा सीन है, देखो वाओ अमेजिंग अमेजिंग, कड़कनाथ ही कड़कनाथ, एक दो एक वो तीन, बहुत मस्त यार। कमेंट करो यार जिसको आप मेरे को डीप आप लोग जानना चाहते हो डीपली, इनकी हैंस की क्या कुछ फीड है, इनके कड़कनाथ की क्या फीड है, टर्की की क्या फीड है, बाहर जो पाकिस्तानी बुली बंदे हैं उनकी क्या फीड है, अगर आप सब कुछ देखना चाहते हो तो कमेंट करो। इनके नाम भी बताएंगे सबके, हैं हमने क्या क्या नाम रखे हुए इनके, ओके सो जितने भी हैं इनके सबके नाम है, सो सोच लो यार तुम लोग, कई चीजें ऐसी हैं जो हमने इस वीडियो में बताई नहीं है, ठीक है भाई। तो तभी भाई कह रहे हैं भाई कमेंट करो पहले नीचे की इसका एक और पार्ट चाहिए, तभी आपको गिल फार्म के डिस्क्रिप्शन मतलब ब्रीफ में लेकर जाएंगे आपको। यार यहाँ पे आया एक खूबसूरत ब्लॉग फार्म हाउस के ब्लॉग का एक प्यारा सा एंड, बट आज के ब्लॉग में मैं अपनी ऑडियंस को एक प्यारा सा मैसेज देना चाहूंगा जो मेरे जोरावर भाई ने स्पेशल कहा कि मैं देना चाहता हूँ मेरी पब्लिक को। तो जोरावर भाई क्या मैसेज है, दे दो भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई जैसे हम अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं तो सारे जैसे अपना यूथ है भाई सब अपनी मिट्टी से जुड़े। सो यार भाई का मैसेज का एक लास्ट मोरल यही है कि अपनी मिट्टी से जुड़े रहो, वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में भेड़ भाड़ में मत भागो, अपनी मिट्टी से जुड़े रहो, अपनी मदरलैंड से जुड़े रहो। और आप देख सकते हैं आप लोग कहोगे कि यार बहुत बड़ा फार्म हाउस है पैसा होगा ये होगा, भाई पैसा नहीं, पैसा भी चाहिए होता है, बट आपको जो मैंने फार्म हाउस दिखाया वो कच्ची ईंटों मिट्टी से ही बना हुआ है। सो शौक पूरे कर सकते हो, बट ये हैन पिजन ये सब रखना, डॉग तब रखना अगर आप इनकी केयर कर पाओ, लाना बहुत आसान है केयर करना मुश्किल है, सबसे मुश्किल है, ले तो कोई आएगा एक बार, हर एक के पास पैसे हैं वैभव आज के टाइम में, तो हर एक बंदा ले आएगा पैसे लगा देगा, उसके बाद उसको मेंटेन करना सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात मेंटेनेंस है। और ये भाई ने यहाँ यार एक शौक में ये भी रखी है, एक्चुअली ये दिखाने के लिए रखी, तुम लोग को शो ऑफ करें, अभी इसके साथ हमने फोटो शूट करवाया बाहर, जो मैंने आपको घोड़ी दिखाई थी जब भाई घुमा के आए थे उसके साथ फोटो शूट करवाया है फार्म हाउस के। और भी बहुत सारी अपडेट्स मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली हैं, वैभव जेरी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा है वैभव जेरी, सो यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी हमने बताया आपको कि भाई अभी फार्म हाउस में और भी चीजें बाकी हैं, जैसे हमने अभी ये दिखाई है और एक दो चीज बाद में और ऐड दिखा दी थी हमने, पर अभी भी बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमने नहीं दिखाई हैं, अभी भी कई राज दफन हैं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे कमेंट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, क्या रिस्पांस मिलता है हमें इस वीडियो से, ये व्लॉग का रिस्पांस बताएगा कि आप गिल फार्म हाउस को और कितना अंदर तक देख पाओगे। सो मैं यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और चैनल के सब्सक्राइबर्स हिडन है, वो तब तक हिडन है जब तक 50 के नहीं हो जाते हाफ सेंचुरी, और मैं ये भी नहीं बताऊंगा अभी कितने हुए हैं, तो फटाफट भग के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो तुम्हें कसूती लग रही होगी लाइक कर दो, क्योंकि यार भाई ने ना अपनी जट्टों वाली ठोक पूरी कैम कर रखी है, कुंडी मुछे देसी लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड की लाइफ एक है ना। और अगर आप भाई की लाइफ में इंटरेस्ट देना चाहते हो और जानना चाहते हो, इनकी पाकिस्तानी बुली की वीडियो देखना चाहते हो, इनकी डॉग्स की फीड देखना चाहते हो और देखना चाहते हो ये कैसे सब मेंटेन करते हैं, सो उसका नेक्स्ट व्लॉग देंगे पाजी हम, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए आपको यार ये वीडियो लाइक करनी पड़ेगी, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है, हम सब कुछ कर लेंगे तैयार है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसा रिस्पांस हमें देते हैं, आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैंने बहुत प्यारा फोटो शूट कराया, भाई के साथ भी करवाया, खुद भी करा, घोड़ी के साथ भी करवाया, और वहां पे मैं अपडेट दूंगा आगे के व्लॉग्स की भी। और मेरे को यार चैनल पे 50 के चाहिए, पता नहीं बस चाहिए, और इंस्टाग्राम पे भी भाग जाओ, वहां पे भी फॉलो कर लो। सो यार ये था आज का व्लॉग, आई होप ये व्लॉग आपको बढ़िया लगा होगा, अगर बढ़िया लगा तो यार व्लॉग को लाइक कर दो, शेयर तो तुम लोग कर ही दोगे, और इसके बाद मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने बताया 50K पे मैंने ना कुछ खतरनाक देना गिल फार्म हाउस में से निकाल के, और तुम लोगों को मैंने घोड़ी के बारे में पाकिस्तानी बुल्ली के बारे में बहुत डिस्क्रिप्शन में दिखाना चाहता हूं मैं, ये तो एक ट्रेलर था, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त।
सो मिलते हैं यार नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।